हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम लोग देख सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करें। वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल के सीरीज में आप हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, ठीक है, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आराम से, आसानी से, और कैसे बनाएंगे एग्जाम में हमें पूरे फुल मार्क्स मिले। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना और सीखते हैं एक नया कंसेप्ट। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए 3x² - x - 4, इसका पहले हम क्या करेंगे, मिड टर्म को तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, 2 इसका क्या निकलेगा, को जीरोज निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसलिए इसका क्या निकलेगा, 2 जीरोज निकलेगा, 2 जीरोज निकलेगा। फिर उसको सम करेंगे, फिर उसका कोफिशियंट वाला फॉर्मूला लगा के सम करेंगे, तो उस दोनों का आंसर जो आएगा सेम आएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट फिर उसका कोफिशियंट वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे, तो दोनों अगर सेम आ गए तो हम बोल देंगे कि हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई है और वेरीफाई है, और हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 5 मार्क्स, या तो 3 मार्क्स रहेगा तो 3 मार्क्स का हमें प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3x² - x - 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बता दीजिए, ए वा मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, यहाँ बोलिएगा आप +3 है भाई, ठीक है। और मुझे ये बता दीजिए कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है, -1 है। कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट मतलब गुणांक कितना है, तो -1 है। कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट नहीं, यहाँ क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अचर पद -4 है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि इसका जो है कैसे, मतलब मिड टर्म को कैसे तोड़ेंगे। तो एक रफ पेज लीजिएगा और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3x² - x - 4 है ना, तो इस टर्म और ये दोनों टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x² - 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, -12x². अब इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई, माइनस को बाहर रहने दीजिए, इसको 4x - 3 लिख सकते हैं, 3x 4 3 या 12, है ना। और क्या लिख सकते हैं, -3x - 4x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, -2x - 6x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 6x - -2x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, और 12 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। इतना इतना इसका क्या होगा फैक्टर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, वो मुझे यहाँ देखना होगा, क्या कि जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, -x। ये देखिए -x मुझे आना चाहिए, क्यों, मुझे मिड टर्म चाहिए। देखिए तो ये, तो ये सारे क्या हो रहा है, 12x² हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पर देखिए -4x, अब ये क्या कर देंगे, +3x जोड़ देंगे तो -x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। -4x में 3x को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -x आएगा, बिल्कुल आएगा, घटाने पे 4 में से 3 गया तो 1 नहीं होगा, x टर्म, ठीक है। तो इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए वही करेंगे यहाँ पे। देखिए 3x² - 4x - 3x सॉरी यहाँ +x + 3x - 4 = 0। यहाँ देखिए, ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, मुझे कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए 3x² को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई x, और 4x को आप लिख सकते हैं, 4x को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई x। तो दोनों में कॉमन क्या है, यही कॉमन ना, ठीक है। तो x तो इस दोनों में से निकल जाएगा तो वो बाहर रहेगा, अब बच क्या जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई x रहेगा ना, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई x यहाँ बचा रहेगा। फिर यहाँ से प्लस निकल गया है, मतलब माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, यहाँ से x बाहर गया है तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4 ही, ठीक है, प्लस। और इन दोनों में देखिए कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देखिए 3x = इसको लिख सकते हैं 3x - 1, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 निकलेगा बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा, 3x - 4, ठीक। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिला, देखिए यहाँ पे भी 3x - 4 3x - 4, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3x - 4 कॉमन आ गया, ये बाहर निकल गया ये टर्म, तो यहाँ क्या बच गया, ये देखिए ये x बच गया, ये तो यहाँ लिखेंगे x, ये सारे निकल गए, तो ये क्या बच गया, +1 बराबर 0। अब देखिए एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, ये हमने सिखाया है कि कैसे इसको क्यों करते हैं, ये इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0। अगर आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए 3x - 4 = यहाँ करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा कौन सा, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब रैखिक पॉलीनोमियल आप पढ़े होंगे उस हिसाब से इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 4/3x = 4/3। अगेन क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, x + 1 = 0, तो यहाँ लिखेंगे x + 1 =
जीरो होता है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन। तो एक्स का देखिए दो वैल्यू आया, क्यों आया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस चूंकि द जीरोज ऑफ 3x² माइनस एक्स माइनस फोर इज क्या 4/3, -1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं, फाइव हम भेज देंगे। तो देखिए क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। तो सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, कि क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ दीजिए 4/3 प्लस यहाँ माइनस में 1 जोड़ना है, 4/3 -1, 4 -3/3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला से निकालेंगे अगेन, ठीक है, सम ऑफ द जीरोज, जीरो निकालेंगे तो क्या हो जाता है माइनस कोफिशियंट ऑफ क्या एक्स डिवाइड में कोफिशियंट ऑफ x² माइनस b/a होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस बी कितना है, माइनस बी यहाँ देखिए, सॉरी बी निकाल, बी का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे डालेंगे -1, ठीक है। यहाँ पे क्या डालेंगे -1, ये माइनस फॉर्मूला वाला, और ये -1 डिवाइड में a कितना है, यहाँ पे देखिए a कितना है 3, तो यहाँ डालेंगे 3, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 1/3। तो ये सम और ये सम मिल गया, हो गया ना। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालते हैं, यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे। अल्फा कितना है, अल्फा का वैल्यू हमने नहीं बोला कितना आया था, यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3, -1। तो 4/3 × -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/3 आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर अगेन वही चीज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, c/a, ये बोल सकते हैं। c कितना है भाई, c जो है आपका यहाँ पे देखिए c कितना है, c -4 है और a कितना है 3 है, तो c -4 है और ये 3 है, देखिए ये भी और ये भी दोनों मैच किया, तो बोल देंगे वेरीफाइड, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका नेक्स्ट नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चंस आएगा आपको, क्वेश्चंस 2.2 का भी हम मतलब क्वाड्रेटिक ये आपका दे देगा, ये आपको दे दिया जाएगा, अल्फा और बीटा का मान दे दिया जाएगा, ठीक है, अल्फा और बीटा का मान दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा ये अल्फा है ना, ये अल्फा और बीटा का मान दे दिया जाएगा, तो आपको बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।